99.9% कोशिश की। और अगर कोई ये बोल रहा है कि पवन जी की वजह से या बॉस की वजह से मेरा ये रिश्ता टूटा है, तो नहीं, ये रिश्ता 1 साल पहले ही टूट गया था। दिखाने पे आ जाएंगे ना, तो एक एक चीज है मेरे पास, क्यों टूटा। जब से शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव का ब्रेकअप हुआ है, तभी से ये खबरें जोरों पर हैं कि अनुपमा यादव और पवन सिंह के बीच में कुछ चल रहा है, और यही वजह थी जिसके वजह से शिव कुमार बिक्कू ने अनुपमा यादव को छोड़ दिया। अब इन्हीं सब मुद्दों पर अनुपमा यादव ने मीडिया से रूबरू होकर बात की है और सभी चीज़ों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया है। सबसे पहले आपको बताते चले कि अनुपमा यादव ने ये साफ कर दिया है कि उनका और बिक्कू का ब्रेकअप क्यों हुआ। उन्होंने कहा है कि हम दोनों का रिश्ता 1 साल पहले ही खत्म हो चुका था। ऐसे में जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा और पवन जी का कुछ रिश्ता था, इसी वजह से बिक्कू के साथ मेरा रिश्ता जो था वो खत्म हुआ, हमारा ब्रेकअप हुआ, तो वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको बता दें कि अनुपमा यादव ने ये साफ साफ बता दिया है कि उनके और पवन जी के बीच में क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा है कि हमारा रिश्ता गुरु और शिष्य वाला है। वो मुझे बेटा कहते हैं, मैं उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ, उन्हें अपना गुरु मानती हूँ, उन्हें अपना ईश्वर मानती हूँ। वो मेरे लिए पूजनीय है, मैं उनको पूजती हूँ, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। ऐसे में वो मुझे बहुत मानते हैं, मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो मेरा प्यार है वो गुरु वाला प्यार है, उनका जो मेरे प्रति प्यार है वो शिष्य वाला प्यार है। तो हमारा प्यार वैसा गंदा वाला प्यार नहीं है जैसे प्रेमी प्रेमिका वाला होता है। लोग बस ऐसा सोच रहे हैं और हम लोगों के सोच को बदल नहीं सकते। अनुपमा यादव ने ये साफ साफ बता दिया है कि पवन सिंह के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनका सिर्फ गुरु और शिष्य वाला रिश्ता है। और साथ ही साथ बिक्कू के ब्रेकअप पर बात करते हुए अनुपमा यादव ने कहा है कि हमारा ब्रेकअप हमारे कुछ निजी परेशानियों के वजह से हुआ था। हम दोनों की आपस में नहीं बनी, इसलिए हम अलग हो गए, एक साथ सहमति करके अलग हुए। इसमें दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अलग क्यों हुए या हमारे बीच क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन जो लोग खिचड़ी पका रहे हैं कि मेरे और पवन जी के बीच कोई संबंध रहे होंगे जिसके वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, तो वो लोग ऐसा ना करें। किसी के भी लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब किसी को पूरा सच मालूम ना हो, क्योंकि किसी की लाइफ में कौन कैसा है, कौन क्या झेला है, ये किसी को भी अंदाजा नहीं होता। इसलिए जजमेंटल किसी को भी नहीं होना चाहिए। आगे अनुपमा यादव ने ये कहा है कि मैंने 99% कोशिश की थी कि इस रिश्ते को बचा पाऊँ, और शादी के लिए मैंने मन से ही कहा था, तो हम चाहते थे कि हम दोनों शादी कर लें, लेकिन ऐसा हो न सका, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम दोनों के आपस में नहीं बन पाए, फिर हम लोग अलग हो गए। ये रिश्ता 1 साल पहले का ही खत्म हो चुका है, टूट चुका है, लेकिन पवन जी के या बॉस के तरफ बढ़ती नज़दीकियों के वजह से लोग अब जाकर इस मुद्दे को उछाल रहे हैं और इसे गलत डायरेक्शन की ओर ढकेल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉस जैसे मेरे लिए तब थे वैसे ही अब हैं। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई वैसा रिश्ता नहीं है, हम सिर्फ गुरु शिष्य के तरह हैं। वो भी मुझे मानते हैं, मैं भी उन्हें मानती हूँ, बस इससे ज़्यादा और कोई रिश्ता नहीं है हमारा। जो लोग भी गलत सोच रहे हैं, जिनकी मानसिकता गलत है, उनकी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगर मुझसे पूछा गया है तो मैं इस बारे में बता रही हूँ, क्योंकि हम जो सच है वही बोलेंगे। हम दोनों के बीच में कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, वो कहाँ मैं कहाँ। फिर भी वो उनका बड़प्पन है कि वो मुझे अपने बगल में बिठाते हैं, अपने दिल में बसाए हैं, और वो मुझे इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों का रिश्ता कुछ गलत रिश्ता है। तो इस वीडियो में तो अनुपमा यादव ने सभी की बोलती बंद कर दी है। जो भी उन पर इल्ज़ाम लग रहे थे, जो भी उनके और पवन सिंह के रिश्ते पर सवाल खड़े हो रहे थे, उनका सच बता दिया है और बड़ा खुलासा कर दिया है। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि अनुपमा यादव के बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज़ डे एंड नाइट।